आज 27 अगस्त है, साल के 8वें महीने का 27वां दिन। भारत और विश्व इतिहास में अपना एक खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं 27 अगस्त की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब पूजनीय पवित्र ग्रंथ है। इतिहास में 27 अगस्त का दिन इसी ग्रंथ की वजह से खास है। सन 1604 में आज ही के दिन सिखों के लिए सर्वाधिक श्रद्धेय अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ है। इसे केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, सिख धर्म का अंतिम और जीवित गुरु भी माना जाता है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1708 में अपनी मृत्यु से पहले घोषणा कर दी थी कि उनके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब आखिरी गुरु माने जाएंगे। आज ही के दिन 1955 में गिनीज बुक पहली बार पब्लिश हुई थी। 27 अगस्त 1955 को पहली बुक पब्लिश हुई थी। 198 पेज की ये बुक लोगों में इतनी पॉपुलर हुई कि दिसंबर तक ब्रिटेन में बेस्ट सेलर बन गई। अगले ही साल अमेरिका में बुक लॉन्च की गई। 1960 तक बुक की 5,00,000 कॉपी बिक चुकी थी। इसके बाद अलग अलग भाषाओं में बुक पब्लिश की जाने लगी। आज 100 से ज्यादा देशों में 37 अलग अलग भाषाओं में गिनीज बुक पब्लिश होती है। भारत के आखिरी वायसराय और आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की 27 अगस्त 1979 को हत्या कर दी गई थी। वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकले थे, तभी आयरिश उग्रवादियों ने उनकी नाव को बम धमाके से उड़ा दिया था। हमले में माउंटबेटन और उनके दो पोते निकोलस और पॉल भी मारे गए थे। क्रिकेट की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन का आज जन्मदिन है। 27 अगस्त 1908 को उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनके क्रिकेट करियर के कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ब्रैडमैन ने 1928 में 20 साल की उम्र में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। ब्रैडमैन का टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग एवरेज 99.94 है। कोई दूसरा बल्लेबाज इस आंकड़े के आसपास भी नहीं है। ब्रैडमैन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 12 डबल सेंचुरी है। उनके इस रिकॉर्ड को भी आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। साथ ही टेस्ट क्रिकेट में एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 309 रन बनाने का रिकॉर्ड भी ब्रैडमैन के नाम है। आज ही के दिन साल 1999 में सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनी। आज बहुत सी महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लेकिन दो दशक पहले कोई महिला एक मरीन इंजीनियर के तौर पर करियर बनाने के बारे में सोचती भी नहीं थी। ऐसे समय में सोनाली ने ना सिर्फ मरीन इंजीनियर बनने के बारे में सोचा, बल्कि तमाम वर्जनाओं को दरकिनार करते हुए अपने सपने को सच भी कर दिखाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।